लाल डायरी का झूठ फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर में आयोजित कार्यक्रम में लाल डायरी का जिक्र करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। आखिर वे साबित क्या करना चाहते हैं यह समझ से परे है। गहलोत ने कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी कई एजेंसियां हैं जिनका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। इनसे जांच करवाकर कुछ बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह के बेसिर पैर की बातें करना प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लालदारी का झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे मंत्रिमंडल के एक साथी को मोहरा बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। भाजपा वाले झूठ फैलाने में माहिर होते हैं, इस समय में उनको मास्टरी है। अब इन लोगों ने झूठे आरोपों को लेकर राजस्थान पर धावा बोला है। जनता इनकी हकीकत जानती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। गहलोत अपने राजकीय आवास में आयोजित इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थी उत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल डायरी की बात तो कर रहे हैं लेकिन लाल सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं जो 1100 रुपए के पार हो गया है। उज्ज्वला योजना इनकी शुरू की हुई थी लेकिन ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे होगा। राजस्थान सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझा और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना बनाकर 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। देश के दूसरे राज्यों में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, यह हमारी योजना की सफलता का प्रमाण है। ताज्जुब की बात है कि राजस्थान सरकार जब इस तरह की योजना बनाती है तो प्रधानमंत्री इसे रेवड़िया बताते हैं, लेकिन इस तरह की योजना मध्य प्रदेश सरकार लाती है तो कुछ उस पर कुछ नहीं बोलते। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल टमाटर की बात नहीं करते तो जो 150 रुपए किलो बिक रहा वे महंगाई पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता सब देख रही है, वह अब इन्हें लाल झंडे दिखाएगी। मणिपुर की घटनाओं के साथ राजस्थान की तुलना करने के प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तब 78 दिन बाद उन्होंने बयान दिया, इसमें भी राजनीति करने से नहीं चुके। कहा मणिपुर, कहा राजस्थान, दोनों को तुलना कर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के स्वाभिमान पर चोट की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के 37 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 156 करोड़ रुपए की डीबीटी की। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। उसके अंदर भी कई काम ऑन करने पड़ते हैं, मिलते काम करते जाते हैं, कई प्रक्रिया भी होती है। मैं कहना चाहूँगा कि ये अच्छा नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, पिछले 50 साल मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की योजना होती है राज्यों में उसको कहते हैं CSS कॉलेज के अंदर भी यहाँ पे भी जो यूपी गवर्नमेंट थी शेड्यूल का थे और करंट डिपार्टमेंट राज्य का था, आज आगे जो प्रोग्राम हुआ लंबे समय से पहले प्रोग्राम खुद होते गए, लेकिन प्रोग्राम राज्य सरकार खुद करती है, वो एलिवेट करती है चीफ गेस्ट के रूप में, केंद्र सरकार के मंत्री में आए, वो अलग बात है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऐसा करो, इसको ऑर्गेनाइज करो बिना कोई डेट को कन्वीनियंस किसकी है, मुख्यमंत्री जी कोई बात नहीं करती है, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोई बात नहीं, सुविधा जब भी उठा रहे हैं। अब उसके अंदर आप जो है आगे चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर
खोला बना करके उसे खुला निकाल करके किन कारणों से उनको इनकार किया गया कि बहुत दुख की बात और मैं क्या कहते हैं उनको न्याय स्वागत करना उनका हिंदू जो ट्रिप करने की बात है वो कहता मानो कि वो सिकंडरी जा रहे हैं अग्निवीर हो या समय योजना हो वो उनको काम करता और ज्यादा ज्यादा मांग करता कि राजस्थान एकमात्र राज्य बन रहा देश के अंदर जहाँ पर सभी जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ये यूपी गवर्नमेंट से जो मैंने संगीत हुए थे सात आठ मेडिकल कॉलेज उनके कंटिन्यू में प्रोग्राम चल रहा है और मैं मांग ये करता कि तीन जिले दर्गे राजमन प्रतापगढ़ या उसको भी आप सम्मिलित कर दीजिए।